पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन पहुंचे एसएसपी दफ्तर, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के बुढ़ासी रोड पर बच्चों को झूला झुलाने गए एक दुकानदार से गांव के ही कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट में दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसका उपचार डीडी हॉस्पिटल में चल रहा है। सूचना पर दुकानदार के परिजन व पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में गिरफ्तारी न होने पर मौजूद प्रधान के साथ परिजन एसएसपी दफ्तर पहुंचे और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया, क्योंकि पीड़ित के अनुसार पुलिस ने नामजद होने के बाद भी अज्ञात में एफआईआर दर्ज की है, जबकि पीड़ित ने 3 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जयमती ने बताया कि घटना 14 अगस्त की है। मेरा बेटा प्रधान के बच्चों को झूला झुलाने गया था कि बीच रास्ते में दबंगों ने बेटे के साथ मारपीट की। मारपीट में बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि तहरीर 3 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ की गई थी। पुलिस ने नामजद व लिखते हुए अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर ली है। मारपीट करने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, बेटे पर समझौता का दबाव बनाए हुए हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ग्राम प्रधान के साथ एसएसपी कलानिधि नथानी से मिलने गए और मामले में दबंगों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की, जबकि हम एसएसपी से मामले की 2 बार शिकायत कर चुके हैं, केवल आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नजर नहीं आती। जी, मेरा नाम शांति देवी है, मैं मौजूदा प्रधान हूँ ग्राम बरोठा से। जी, मेरी दुकान में एक किराएदार रहते हैं, वो 3 भाई हैं, तीनों भाई किराए पर दुकान चलाते हैं। मेरे बच्चों के लिए उनके छोटे भाई झूला झुलाने गए थे, उधर से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनमें 5 लोगों ने उनके साथ मारपीट की गई है, जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, अज्ञात है। मैंने तत्काल उसे उठाकर और थाने पहुँचाकर एफआईआर दर्ज कराई थी उनके लिए, जो नाम बताए गए थे उनके आधार पर एप्लीकेशन दी गई थी। अब उसमें उन नामों को हटाकर बस एक नाम दिया जा रहा है, सिर्फ एक नाम, तो जिसका नाम नासिर है, बस उसका नाम लिया जा रहा है। हालांकि वो भी मुख्य अपराधी है, पर उन चारों के नाम क्यों हटाए जा रहे हैं, जिससे जो बाकी 4 हैं वो मेरे लिए, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, उनकी मम्मी वगैरह जानती है। जो जयमंती देवी, क्या घटना हुई थी? कागते मेरे बच्चा कागते प्रधान जी के बच्चन के लिए झूला झुलाने जा रहे थे, और पल्ली तरफ से वो आ रहे, और उन लोगों ने कागते राहुल ने और चंते पे उसके डंडा मारा, राहुल ने और हिमांशु और नासिर, उन्होंने कागते डंडा मारे थे, और फिर कागते पीठ में उसे पकड़ के उसकी धुलाई करी। दो अज्ञाती हैं, उनका नाम नहीं जानती हूँ, और उन्होंने पीट पाट करके कढ़ाई में डाल के और उसका घिस्सा भी लगा दिया, लकार के उसमें से दीवान पे, और मेरे बच्चे को बेहोश करके डाल गए और वो भाग गए हैं। क्यों मारा, आपको पता लगा क्या करते? कोई पता नहीं, कागत है सर, कागत कोई मालूम ही नहीं। कितनी तारीख की घटना है? जी 14 तारीख की। कितनी देर आप क्यों आए हैं यहाँ पर? अब कागत एसएसपी के यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? दरगाह कागत एप्लीकेशन देने, पिछली बार भी आए थे, तो उन्होंने 6 दिन की बोला था, अभी तक और कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं।